देखिए, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर हम आपके साथ सेक्शन 143 को डिस्कस करेंगे, जो बात करता है प्रोसीजर की। किसकी बात करता है? जॉब वर्क प्रोसीजर। आपको याद होगा, अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर अपना सेक्शन 19 को फिनिश करा था, जिसके हमने सब सेक्शन 60 डिस्कस करे थे, और हमने जॉब वर्क का मतलब भी बताया था, जॉब वर्क का मतलब क्या होता है। क्लियर है? सेक्शन 19 के बेसिकली हमने दो पार्टों में इसे डिस्ट्रीब्यूट करा था। सेक्शन 19 1 2 3 बात करता था गुड्स की, और सेक्शन 19 सब सेक्शन 4 5 और 6 बात करता था कैपिटल की। अगर गुड्स की बात करें तो माल कब तक बन के आ जाए? विद इन 1 ईयर। और इसकी बात करें तो क्या लिखा था वहां पर? ठीक है 3 ईयर में लिखा था। और सेक्शन 19 सब सेक्शन 7 में क्या लिखा हुआ था कि अगर आप ऐसी चीज दे रहे हो जो क्या हो जाती है, कंज्यूम या डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसे हम जॉबर की कैटेगरी में कंसीडर नहीं जी। करेंगे, और वो बात हमने वहां पढ़ ली। आज हम आपके साथ सेक्शन 143 को डिस्कस करेंगे, जो बात करता है मिसलेनियस प्रोविजन की। किसकी बात करता है? मिसलेनियस प्रोविजन की बात करता है। आज हम इस सेक्शन में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर लिखा है जॉब वर्क प्रोसीजर, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर हम उसी को याद रखें तो ये सेक्शन हमारे लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, ये सेक्शन विद इन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? बस तुम्हें सेक्शन 19 क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, आ रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, हेयर आफ्टर इन द दिस सेक्शन रेफर टू एज अ प्रिंसिपल बाय अंडर इंटीमेशन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब सेंड एनी इनपुट और कैपिटल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क एंड फ्रॉम देयर सब्सिक्वेंट सेंड टू अनादर जॉब वर्कर एंड लाइक वाइज एंड शेयर। यहां एक बात इसने लिख दी कि हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? प्रिंसिपल के बिहाफ से बात करेंगे। हम जो भी क्या करेंगे? प्रिंसिपल के बिहाफ से बात करेंगे। जी और साथ साथ लिखा है मे अंडर इंटीमेशन एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। इसके लिए भी उसने क्या बोला है? कुछ कंडीशन है, और उसके लिए कंडीशन के लिए आप पढ़ोगे रूल 45। क्या पढ़ोगे आप? रूल 45 आप लोग पढ़ोगे। क्लियर? दूसरा इसने एक बात बोली कि जो जॉब वर्कर जो प्रिंसिपल होगा, जब वो जॉब वर्कर को माल देगा, तो जो उस पर चालान बनाकर देगा वो उस पर क्या नहीं लगा सकता? टैक्स नहीं लगाएगा। लिखा है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स टू द जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क। क्लियर है? ये बात याद रखना कि जब प्रिंसिपल किसी जॉब वर्कर को माल देगा तो उस पर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि जीएसटी का एक सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है? जीएसटी सेल पर लगता है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है। एक्साइज ड्यूटी लगता था मैन्युफैक्चरिंग करने पर, लेकिन सेल कभी जीएसटी कभी भी मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं लगता। दूसरा, अगर वो चाहता है एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को भेजने का, तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से भेज सकता है एक जॉब वर्कर को दूसरे जॉब वर्कर के पास। क्लियर है? समझ आ गया? तो ये बात आपको याद रखनी। इसके बाद बी पॉइंट में लिखा है ब्रिंग बैक इनपुट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्कर। कह रहा है माल बन जाए और अदरवाइज और कैपिटल गुड्स देन मॉड एंड डिक डाई जिक एंड फिक्चर और टूल। कह रहा है हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? इनपुट की, मतलब गुड्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं? कैपिटल गुड्स की। लेकिन हम किसकी बात नहीं करेंगे? मॉडल्स डाई जिक एंड फिक्चर की बात हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सेक्शन 19 सब सेक्शन में उसे अलग कर दिया था। विद इन 1 ईयर गुड्स के लिए कितना होगा? 1 ईयर, और कैपिटल के लिए कितना होगा? 3 ईयर रिस्पेक्टिवली। ऑफ देयर बीन सेंड आउट टू एनी ऑफ हिज प्लेस ऑफ बिजनेस विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। क्लियर है? जो जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा? विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जाएगा। क्लियर है? मतलब उसने टाइम पीरियड बता दिया, गुड्स के लिए 1 साल और प्रिंसिपल के लिए कितना, और कैपिटल के लिए 3 साल। बी पॉइंट में लिखा है सप्लाई सच इनपुट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्कर अदरवाइज कैपिटल गुड्स अदर देन, वही बात करेगा यहाँ पर, सेम वही बात है, विद इन 1 ईयर एंड 3 ईयर इज रिस्पेक्टिवली ऑफ देयर बीन सेंड आउट फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स विद इन इंडिया अदरवाइज और विद और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट।
चाहे आप तुम एक्सपोर्ट करो या फिर विदाउट पेमेंट करो, ठीक है, एज द केस मे बी। क्लियर है? उसने कहा केस चाहे कोई भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? नीचे आ जाओ, लिखा है प्रोवाइडेड दैट द प्रिंसिपल शैल नॉट अप्लाई द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस क्लोज अनलेस द सेट प्रिंसिपल डिक्लेयर द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर एज द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एक्सेप्ट इन। कह रहा है कि प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल होगा वो चाहकर भी अपना माल किसके पास से नहीं बेच सकता, जो वर्कर के पास से नहीं बेच सकता। मैं प्रिंसिपल हूं, मैं क्या हूं, प्रिंसिपल हूं, मैं अपने माल को क्या करना चाहता हूं, जो वर्कर के पास से बिचवाना चाहता हूं, लेकिन मैंने गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ऐसा आप नहीं कर सकते। उसने कहा सर करने दीजिए ना, उसने कहा तुझे करना है ना, तू जिद कर रहा है ना, ऐसा कर, अपने जीएसटी नंबर पे जा, जीएसटी नंबर पर जाकर इस जॉब वर्कर की क्या ऐड कर ले, प्लेस ऑफ बिजनेस को ऐड कर ले। मतलब अपने जीएसटी नंबर में एक और प्लेस ऑफ बिजनेस बना ले और ये बताइए जॉब वर्कर तेरा क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस है। उसने कहा नहीं करूंगा, उसने नहीं कहा तो हम ऐसा करने नहीं देंगे। उसने कहा चलो ठीक, मैं आपकी बात मान गया। उसने कहा मेरी बात मान गया ना, उसने कहा लेकिन सर अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड है तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनती, अगर रजिस्टर्ड है तो कोई बात ही नहीं बनती, वो बेच सकता है, लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो तुझे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने पास रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही तू क्या कर सकता है, माल को सेल कर सकता है, उसके बाद ही तू माल को क्या कर सकता है, सेल बिल्कुल कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा हम दो लोगों को माफ करेंगे, हम दो लोगों को क्या करेंगे, माफ माफ करेंगे। करेंगे। पहला, वेयर द जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25, अगर वो रजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं, क्लियर, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पर। और दूसरा क्या बोला, वेयर द प्रिंसिपल इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सच गुड्स एज मे बी नोटिफाई द कमीशन। अगर कोई ऐसे गुड्स की सप्लाई में एंगेज जिसने कौन, गवर्नमेंट ने नोटिफाई करा हो, अभी तक ऐसा कोई गुड्स नहीं जो गवर्नमेंट ने क्या करा हो, नोटिफाई कर। अगर गवर्नमेंट कभी फ्यूचर में चाहे कुछ ऐसे प्रोडक्ट को नोटिफाई करवा सकती है, क्या करवा सकती है, नोटिफाई करवा सकती है। क्लियर होगी मेरी बात, याद रखना ये कर सकता है। दूसरा लिखा द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कीपिंग प्रॉपर अकाउंट फॉर द इनपुट ऑफ कैपिटल गुड्स शैल ली विद ल्यू विद इन द प्रिंसिपल। कह रहा है प्रिंसिपल को ये भी मेंटेन करना है प्रॉपर अकाउंट, कितना इनपुट जा रहा है, कितना कैपिटल गुड्स जा रहा है और कब तक बन के आ गया, ये सब प्रिंसिपल को मेंटेन करना है, ठीक है। साथ साथ यहाँ पर एक बात और लिखी है नीचे 143 के क्लोज 3 में, वेयर द इनपुट सेंड फॉर जॉब वर्कर आर नॉट रिसीव बैक, अगर रिसीव नहीं होता प्रिंसिपल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क अदरवाइज, वही बात लिखिए ए और बी। ए भी मैं क्या बताया था 143, 1 साल गुड्स के लिए, उस सर्विस के लिए कितना बताया था, 3 साल। आर नॉट सप्लाइड फ्रॉम प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन बी क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 1 विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, और किसके लिए था, गुड्स के लिए, और जॉब वर्क के लिए कितना था, कैपिटल के लिए 3 साल। इट शैल बी डीम, उसे क्या मान लेंगे हम, डीम दैट द सच इनपुट हैड बीन सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल टू द जॉब वर्कर ऑन द डे व्हेन द सेट इनपुट वेयर सेंड आउट। क्लियर? कह रहा है कि अगर तुम सेक्शन 143 में ये बात बोली गई है कि अगर तुम गुड्स को 1 साल के अंदर नहीं लाते तो हम उसे क्या मान लेंगे, डीम सेल मान लेंगे और तुम पर क्या लगेगा, लेट फीस पेनल्टी चार्ज की जाएगी। क्लियर है? 3 में ये बात लिखी, और 4 के अंदर कौन सी बात लिखी होगी, वही बात लिखी होगी किसकी, कैपिटल गुड्स की। किसकी बात लिखी होगी, कैपिटल गुड्स की बात लिखी, और कैपिटल गुड्स का आप जानते हो कितने साल का पीरियड था, 3 साल, और अगर नहीं करता तो हम ये क्या मान लेंगे, इसने से सेल कर दी, इसने क्या कर दी, अपनी सेल कर दी। सेल कर दी है। समझ आ गया? तो यही लिखा है, आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना, कोई बड़ी वाली बात नहीं। 5 में लिखा है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1, मतलब सेक्शन 143 1 2। क्लियर है? एनी वेस्ट एंड स्क्रैप जनरेटिंग ड्यूरिंग द जॉब वर्क, अगर माल बनाते वक्त कोई कबाड़ा निकलता है, कोई स्क्रैप निकलती है, कोई वेस्टेज निकलती है, तो जॉब वर्कर में सप्लाई बाय जॉब वर्कर डायरेक्टली, वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली सप्लाई कर सकता है, लेकिन कब, जब वो क्या हो, रजिस्टर्ड हो, फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस ऑन पेमेंट ऑफ, किसके साथ बेचेगा, पेमेंट ऑफ टैक्स के साथ बेचेगा, लेकिन टैक्स के साथ कब बेच सकता है, जब वो क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा।
इफ सच जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड है तब, और बाय द प्रिंसिपल इफ द जॉब वर्कर इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो कौन? प्रिंसिपल। क्लियर है? तो आपको याद रखना। इसके बाद नीचे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन, क्या लिखा है? जॉब वर्क लिखा है, फॉर द पर्पस ऑफ जॉब वर्क इनपुट इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट गुड्स अराइजिंग फ्रॉम एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस कैरिड आउट ऑन द इनपुट बाय द प्रिंसिपल और द जॉब वर्कर। ठीक है, यहाँ पर जॉब वर्कर का मीनिंग बताया, जो इंटरमीडिएट वर्क करे, माल बनाने का बीच का जो वर्क होता है वो करता हो, या उसका कोई ट्रीटमेंट करता है, या उस पर कोई प्रोसेस करता है, उसे सबको हम क्या कहते हैं? जॉब वर्कर कहते हैं। हम सबको क्या कहते हैं? जॉब वर्कर कहते हैं। क्लियर है? तो सेक्शन 143 हमें बस यही बताता है कि 143 ए 2 में हमें क्या बताया है कि जॉब वर्कर, 1 में बताया कि जॉब वर्कर अपने माल को बेच सकता है जॉब वर्क के लिए विदाउट टैक्स के लिए, और एक जॉब वर्कर दूसरे जॉब वर्कर को भी माल बेच सकता है। क्लियर? दूसरे में बताया है कि गुड्स को 1 साल के अंदर अंदर और सर्विस को 3 साल के अंदर, है कैपिटल गुड्स को तीन। तीसरे पॉइंट में उसने क्या बोला है? गवर्नमेंट ने हमें बोला है कि अगर एक जॉब वर्कर आपके माल को सेल करना चाहता है तो आप अपने उसे प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या कर लेना? ऐड कर लेना, और अगर रजिस्टर्ड है तो कोई बात नहीं। उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी गई थी 2 पॉइंट की, अगर वो रजिस्टर्ड तो कोई बात नहीं, और गवर्नमेंट से क्या करती है? नोटिफाई करती है, तो उसके लिए ये पॉइंट बना हुआ है। अगर गुड्स 1 साल के अंदर नहीं बन के आता तो क्या बात बोली थी? कि हम ये मान लेंगे उस दिन सेल, जिस दिन तुमने माल दिया उस दिन हम उसे क्या मान लेंगे? उसकी सेल माल। और कैपिटल कितनी दी थी? 3 साल। 5th पॉइंट में हमने क्या डिस्कस करा? अगर माल वेस्ट होता है या स्क्रैप निकलता है तो जॉब वर्कर बेच सकते हैं, लेकिन उसे क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड। और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर प्रिंसिपल बेचेगा। जॉब वर्कर का मतलब बता दिया, जो मीडिएटर वर्क करता है हम उस सबको क्या बोलते हैं? जॉब वर्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? जॉब वर्कर बोलते हैं। तो आज का हम सेशन यहीं स्टॉप करते हैं, सेक्शन 143 को। आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ जो सेक्शन लाएंगे वो सेक्शन होगा रूल 45, और उसके बाद हम आपके साथ लाइव जीएसटी पोर्टल पर ITC 04 के बारे में भी डिस्कस करेंगे।